रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार उद्योगपतियों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वह किसी भी बेईमान आदमी को माफ नहीं करेगी। विराम। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी तैयारी और आधार के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे मारे। विराम। यह प्रचार इतना ज़्यादा किया गया कि मजबूर होकर सरकार को संसद में उन औद्योगिक घरानों के नाम बताने पड़े जो अपने ही सलाहकारों की राय के खिलाफ कर चोरी कर रहे थे। विराम। मेरा कहना यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कर चोरी के सिलसिले में अपना रवैया बदलने के लिए समय देने को तैयार हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कर चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। विराम। सरकार ने करों की दरें इसलिए कम की ताकि कर चोरी कम हो और छापों का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि चोरी की कीमत ज़्यादा देनी पड़े और लोग कर चोरी से बचें। विराम। पहरा। सरकार प्रत्यक्ष करों के बारे में इस साल एक और अधिक संपूर्ण आचार संहिता पेश करेगी। विराम। इसके साथ ही साथ संपत्ति जब्त करने और छापे मारने के बारे में मोटे नियमों की घोषणा भी की जाएगी। विराम। मैं उद्योगपतियों को यही सलाह दूंगा कि वे सरकार पर अंधाधुंध छापे मारने का आरोप लगाने की बजाय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की चोरी का अपना रवैया बदलने की बाबत सरकार से खुलकर बात करें। विराम। सरकार खुले बजट में विश्वास रखती है तथा अब बजट परीक्षण के लिए सुलभ है। विराम। बजट में तर्क संगत परिवर्तन करने के लिए तैयार है। विराम। सरकार प्रशासनिक तौर पर मूल्य वृद्धि के बारे में शीघ्र ही एक नीति की घोषणा करेगी। विराम। इसके साथ साथ संसद के चालू स्तर के दौरान ही सार्वजनिक क्षेत्र के सम्मान के संबंध में एक मूल नीति की भी घोषणा की जाएगी। विराम।
मेरे विचार में सरकार जो कुछ कर रही है सोच समझ कर ही कर रही है, और यह पूंजीपतियों के अपने हित में होगा। स्टॉप।